ओके सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल सभी लोग, आज सभी लोग का स्वागत है दोबारा से गेम प्ले वीडियो के अंदर। आज हम जाने वाले हैं दोबारा से अपने GTA रिपोर्ट छोटी के वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि गाइस यार आज हम लोग को जाने हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी मिशन करने के लिए। आज हम लोग भाई अपनी रिपोर्ट छोटी के एकदम हार्डेस्ट मिशन को नहीं जाना है, यानी कि आज हम लोग को मिशन जो कि गाड़ियों को रेस्क्यू करने जाना है, उसके दोस्तों को रेस्क्यू करने जाना है, जो कि यार काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है, जो कि हम लोग को पीछे लगने वाली है चार मोटरों की पुलिस। अब चलते हैं गेम के अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर के अंदर, फटाफट से यार अपना जो भी यार पानी यानी पे है वो पी लेते हैं और चाय भी फटाफट से पी लेते हैं, क्योंकि यार हम लोग दिन भर में भाई टाइम ही लगने वाला है भाई दोबारा घर आने का। तो अभी चलते हैं भाई फटाफट से घर के बाहर। और गाइस यार लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग यार अपने लिए कितनी ज़्यादा मस्त सी सुपर कार को लेके आए थे, जो कि यार अभी अपनी गैरेज के अंदर खड़ी हुई है। तो भाई इसको तो भाई मैं विंसेंजो के पास लेके नहीं जाने वाला हूँ, पता लगे यार उसने भाई मेरे से यही वाली गाड़ी मांग ली। तो गाइस यार अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई अपने दूसरे वाली गाड़ी से, जिसको यार मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, तो आज वक्त आ चुका है उसे भी रिवील करने का। हम लोग जाने वाले इस वाली गाड़ी से, तो फिलहाल गाइस अभी हम चलते हैं विंसेंजो के पास, फटाफट से अपनी गाड़ी को हमें पास के लगा देते हैं। और गाइस यार हम लोग फटाफट से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में आ चुके हैं विंसेंजो के पास और चलते हैं, क्योंकि भाई उसने बुलाया ही इतनी भाई जल्दी से। तो अभी हम लोग भाई विंसेंजो के ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और भाई विंसेंजो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है भाई, दूर से चिल्ला रहा है। तो ये बता रहा है कि ये कितना ज़्यादा डरा हुआ है, मतलब कि यार इसके भाई तीन दोस्त हैं जो कि यार पुलिस की करप्ट में आ चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से बच चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को एक वीडियो दिखा रहा है जहाँ पे हम लोग देख ही सकते हो भाई कितने ज़्यादा गलत सीन चल रहे हैं। तो वहाँ पे भाई हम लोग को जाके भाई उनको वहाँ से रेस्क्यू करवा के एस्केप करवाना है। तो बस यार अपना ये मिशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, लेकिन हाँ इसके लिए हम लोग को मोटा पैसा मिलने वाला है, तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस यार अभी हम लोग गाड़ी उठाते हैं, चलते सीधा इन लोगों के पास की तरफ को। तो गाइस यार अभी वक्त आ ही चुका है इन लोगों को बचाने के लिए, तो फटाफट से भाई हम लोग अपनी सुपर कार को नहीं लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि यार अपनी भाई पता लगे सुपर कार ही में भाई स्क्रैच आ गए। हम लोग यहाँ से विंसेंजो की गाड़ी को उठा के लेकर जाने वाले हैं, भले ही यार इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन यार अभी हम लोग को भाई जो भी काम करना है इसी वाली गाड़ी से करना है भाई। ये काम जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन मुश्किल होने वाला है, आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लो कि भाई अपने पीछे चारों तरफ की भाई फोर्स लगी होगी, और हम लोग भाई एक ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं जिसकी भाई स्पीड इतनी ज़्यादा कम है कि भाई उससे साइकिल वाला भी आगे निकल जाए। साथ ही में यार आप लोग देखोगे ना भाई अभी हम लोग को आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस वाली गाड़ी को लेने की वजह से, क्योंकि अभी जब हम लोग के पीछे वाला फोर्स लगेगी ना भाई जितने भी भाई यहाँ के बाइक कार वाले होंगे भाई स्वामिलों को भेड़ने लग जाएंगे, जिससे कि यार अपनी स्पीड जो भी होगी वो भी डाउन हो जाएगी। तो उस बात का हम लोग ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं भाई, दिमाग में मैंने अपनी पूरा प्लान बना लिया है, एक मास्टर माइंड प्लान, मतलब कि यार गाइस हम लोग यहाँ से निकल के कहीं और नहीं जाने वाले, सीधा जाने वाले हैं पेंट की दुकान में अपनी गाड़ी को पेंट करवा के, इसकी नंबर प्लेट निकलवा के तुरंत ही गाड़ी को चेंज करवा लेंगे, जिससे कि यार पुलिस वाले हम लोग को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस यार अभी इस गाड़ी को हम लोगों ने निकाल लेते हैं, यहाँ तक अपने सारे सारे भाई गैंग के बंदे आके बैठ चुका हूँ भाई, तुरंत ही फोर्स आ चुकी है। तो गाइस अभी यहाँ से निकाल लेते हैं, ओ शिट यार मैं गलत जगह आ गया भाई, बिल्डिंग क्रॉस थी यार, मेरे को मालूम नहीं था कि यार बिल्डिंग बंद है, मेरे को लगा था कि यार ये ऊपर से खुली होगी और कोई हम लोग को स्टैंड बोनस जहाँ से मिलते ही वो वाली जगह होगी, लेकिन यार गाइस हम लोग बंद जगह पे आ चुके हैं। तो फटाफट से अली गाड़ी यहाँ से निकालनी पड़ेगी भाई, घूमना मत भाई, शर्ट भाई अभी अपना मिशन भाई फेल हो जाता, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी लोग एकदम सही ट्रैक पर हैं, अभी अपनी गाड़ी को जितना भगा सकते हैं भगाते हैं और लेके चलते हैं सीधा पेंडी तुरंग की तरफ को। और भाई रास्ते में तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो भाई मेरे को भाई फुल कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार पुलिस वाले भाई इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय कि यार गाड़ी चलाना इतना ज़्यादा कठिन हो रहा है कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। और साथ ही मेरा गाइस एक बात बताओ यार, जब इन तीन बंदों को अच्छे से काम करना नहीं आता तो भाई जाते क्यों भाई, मैं इतने सारे काम करने गया हूँ वहाँ तक, अकेले गया हूँ वहाँ तक, भाई पुलिस पकड़ भी नहीं पाई और भाई ये तीनों बंदे वहाँ फंसे पड़े थे। और भाई चलो वो बात तो और की है, ऊपर से भाई गाड़ी भी मेरे को चलानी पड़ रही है भाई अभी, और अपना पेंट की दुकान भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, और भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस वाले आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे भाई अपनी कार को कंट्रोल करना भाई इतना ज़्यादा कठिन हो चुका है कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन यार अभी हम लोग को भाई यार वाला मिशन तो करना पड़ेगा ही, तो ठीक है गाइस यार अभी यार हम लोग को बस यहाँ से दो टर्न लेने हैं, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी पेंट की दुकान की तरफ को, फटाफट से एक राइट टर्न लेते हैं और आई होप कि भाई हम लोग सामने यहाँ से मिल जाए अपनी दुकान। तो फटाफट से हम लोग आ चुके हैं और आई होप कि अपना जो मिशन है यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा, बस यार अपनी गाड़ी तो पेंट हो जाएगी, इन लोगों को बस छोड़ना रह जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन लोग को हम लोग छोड़ देंगे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी भी यहाँ पे ग्रीन कलर की हो चुकी है और भाई पुलिस वाले बाहर ही खड़े हैं, पहचान भी नहीं पा रहे हम लोग को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी चलते हैं भाई इन लोग को विंसेंजो के पास दोबारा लेके चलते हैं और इन्हें वहीं पर चल के ड्रॉप कर देते हैं।
क्योंकि गाइस यार मेरे संजय को भी फोन आ रहा है कि भाई उसे दूसरा काम लग गया हम लोगों से, मतलब क्या रहे अभी हम लोग एक काम कर रहे थे उसे और उसने भाई दूसरे काम के लिए बुला लिया है। भाई कभी कभी लगता है कि यार मेरे संजय इतना ज़्यादा काम करवाने लग गया कि भाई वो नौकर समझता है हम लोग को, असल में यार इस समय तो फिलहाल हम लोग उसके नौकर है भी। लेकिन चलो यार अभी चलते हैं संजय के पास और देखते हैं भाई आखिर यार उसके पास हमारे लिए नेक्स्ट पेशेंट कौन सा आया हुआ है। तो गाइस यार अभी हम लोग संजय के पास आ चुके हैं और यार वो बहुत ही यार गुस्से में क्योंकि यार उसकी गाड़ी की डिलीवरी जो है वो फंसी हुई है, तो यार हम लोगों को यार उसकी गाड़ी को लेके आना है और वो कोई आम गाड़ी नहीं भाई सुपर कार होने वाली। तो भाई मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई इस सिटी की भाई सबसे ज़्यादा अच्छी जो कार है भाई वो मेरे पास है, ऐसी कौन सी कार है भाई जो इसको मिल गई है। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं भाई इसकी आखिरकार कौन सी ऐसी एक्सपेंसिव सुपर कार है जो हम लोग के पास नहीं और इसके पास है। तो यार गाइस अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा के लेके चलते हैं सीधा उसी लोकेशन की तरफ को। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई उसी लोकेशन की तरफ को और आई थिंक यार हम थोड़ा सा आगे निकल गए, तो अपनी गाड़ी को यूटर्न मारते हैं और फटाफट से यहाँ छलांग मारते हैं और पहुँच जाते हैं अपनी सुपर कार की लोकेशन की तरफ को। तो गाइस यार अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी कर देते हैं, भाई काफ़ी यार अजीब लग रहा होगा आप लोग को कि यार हम लोगों ने गाड़ी भाई छत पर खड़ी कर दी, लेकिन यार ये फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम लोग खड़ी करनी पड़ी है ताकि यार बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यार गाइस यार हम लोग उस संजय की गाड़ी को एक गुंडों से छुड़वाने के लिए आए तो यहाँ पे गुंडे भी हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ेगा हम लोग को। और भाई यहाँ पे सामने तरफ हम लोग सुपर कार मिल चुकी है और भाई यहाँ पे कोई है भी नहीं, सेकंड भाई कोई ट्रैप तो नहीं है ना इस सेकंड, भाई समझ नहीं आ रहा कुछ, भाई थकावट भी हो चुकी है भाई छलांग मार मार के। चलो यार गाड़ी के अंदर चलते हैं, भाई चाबी तो उसने दे ही दी थी, तो यार गाड़ी के अंदर चल चुके हैं, चलते हैं फटाफट से। एक सेकेंड भाई यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है। गाइस यार विंसन जो ने यार हम लोग को धोखा दे दिया, उसने यार हम लोग को भाई एक कार स्मगलिंग के केस में फंसा दिया है और अभी यहाँ की भाई जितनी भी पुलिस भाई मेरे पीछे पड़ चुकी है। और भाई आप लोगों को लग रहा हो भाई मेरे पास तो सुपर कार है मैं भाग सकता हूँ यहाँ से, लेकिन नहीं गाइस यार अपने पास सुपर कार तो लेकिन ये प्रॉपर ड्रिफ्ट कार है, मतलब कि यार इसमें जरा सा ब्रेक मारा और भाई भयंकर ड्रिफ्ट करती है गाड़ी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई एक पुलिस वाले की टक्कर और अपनी गाड़ी भाई भाई चार बार 360 घूम गई। तो भाई उसको थोड़ा सोच समझ चलना पड़ेगा और चलना होगा सीधे भाई हम लोग को कार पेंट की दुकान की तरफ को, देखते हैं भाई हम लोग ये वाला मिशन सक्सेसफुल कर पाते हैं या फिर नहीं। बाकी यार अभी तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि यार भाई बहुत ही चौदह तगड़ी पुलिस लगी हुई है हम लोग के पीछे। तो यार गाइस अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी अपनी गाड़ी को चलाने पर कॉन्सनट्रेट करते हैं और देखते हैं हम लोग पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस यार अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने पेंट की दुकान की तरफ को, अभी अपनी फटाफट से सुपर कार को पेंट होने के लिए लेते हैं और वेट कर लेते हैं इसके आने का। और भाई अपने पीछे से भाई पुलिस का जो स्टार लगे हुए थे वो भी हट चुके हैं, अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं, तो अभी जाके भाई मैं संजय को उसकी गाड़ी दे देते हैं। लेकिन यार एक सेकंड भाई उसने धोखा दिया हम लोग को, तो भाई यार अभी हम लोग लेने वाले हैं उससे बदला, और बदला इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि मेरी उससे बात हो चुकी है और उसने कहा है कि यार उसने सारा काम हम लोग को फंसाने के लिए किया था, इस वजह से यार हम लोग उसकी गाड़ी को भाई तोड़ने वाले हैं। और ये सीन भाई मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि यार मैं नहीं दिखाने चाहता यार इस सुपर कार को तोड़ते फोड़ते हुए। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग को यार उसके गलत काम की वजह से उस गाड़ी को तोड़ना पड़ गया। लेकिन यार गाइस यार आज की वीडियो को बताइए, आई होप लोग वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।